Hi friends, welcome to Tally Digital Class. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैली की मोबाइल एप्लीकेशन में एंट्री कैसे कर सकते हैं, एंट्री कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था कि टैली की मोबाइल एप्लीकेशन में लेजर कैसे क्रिएट करा जा सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंट्री कैसे करी जा सकती है। तो आपने अभी पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो को देख लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बाजू में आता बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नवी नवी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और सब कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हमने ये चार लेज़र यहाँ पर हमने क्रिएट करे हुए थे, एक्स वाई जेड, ए बी सी, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, सैलरी, और ये दो लेज़र और हमने यहाँ पर क्रिएट करे, परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट। आज इसी लेज़र्स के बारे में हम एंट्री पोस्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वाउचर्स जान लेते हैं कि ये वाउचर्स क्या होता है। अकाउंट वाउचर्स, ये वाउचर्स हमारे ये आपके सामने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 वाउचर्स होते हैं, और कई तरह के वाउचर्स भी होते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दोस्तों आज इसी लेज़र्स, इसी वाउचर्स के बारे में हम एंट्री पोस्ट करने जा रहे हैं। रिसिप्ट वाउचर, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वाउचर्स होता क्या है। ये रिसिप्ट वाउचर्स, वाउचर्स वो होता है जिसे जिसमें हमें एंट्री पोस्ट करनी होती है, एंट्री करनी होती है, उसे हम वाउचर्स कहते हैं। तो ये वाउचर्स हमारे सामने हैं, रिसिप्ट वाउचर्स मतलब हमने किसी पार्टी को सेल्स किया, उस पार्टी ने क्रेडिट पर सेल्स किया है, हमने किसी पार्टी को क्रेडिट पर सेल्स किया, उसने वही पार्टी ने दो महीने, तीन महीने, चार महीने बाद जब हमें सेल्स के जो पैसे, इनकम मतलब जो आवक है, वो सेल्स वो हमें रिटर्न करती है, मतलब हमें जो पैसा मिलता है उसकी एंट्री करने के लिए हम यहाँ रिसिप्ट में जाते हैं, उसकी रिसिप्ट में एंट्री होती है। पेमेंट, किसी भी तरह का हम पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री पेमेंट्स में होती है। जर्नल वाउचर्स किसी अदर एंट्री पोस्ट करनी होती है तो हम जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर्स बैंक्स के ट्रांजैक्शन के लिए होता है, बैंक्स में इनकम आई या गई उसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर्स होता है। सेल्स तो आप नॉर्मली जानते ही होंगे कि सेल्स किसके लिए यूज़ होता है। परचेस भी आप जानते ही होंगे, सेल्स वाउचर सेल्स के लिए यूज़ होता है और परचेस वाउचर परचेस के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक परचेस ले लेते हैं। हम यहाँ पर परचेस, आपको परचेस पर क्लिक करते ही ऐसा आपको आ जाएगा। यहाँ पर आपके ऐड पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जिस तारीख को आप एंट्री करना चाहते हैं उस तारीख की आप एंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, डेट सिलेक्ट कर सकते हो, पार्टी अकाउंट कैश, पार्टी का नेम। तो हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो आज को इस वीडियो में फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हो वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स हुआ, एक्स वाई जेड जो हमने लेज़र क्रिएट करा हुआ था, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो हम यहाँ परचेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स वाई जेड को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये हमारा परचेस अकाउंट ये हमारा लेज़र क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ पर परचेस लेज़र सिलेक्ट कर लेते हैं, और अमाउंट जितने की आपने परचेस किए उतने का आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। सपोज़ हमने यहाँ पर 50,000 की हमने यहाँ पर परचेस की, तो हम यहाँ पर 50,000 लिख लेते हैं, और ये नेक्स्ट, ये देख सकते हो आप
ये हमारे अमाउंट आ गई टैक्स का नेम। अगर आप टैक्स लगाना चाहते हो तो यहाँ पर टैक्स लगा सकते हो, टैक्स की अमाउंट। और सपोज कि CGST, IGST और SGST, ये हमारा टैक्सेस है। मैं आप आज इस वीडियो में सिर्फ सिंपल एंट्री करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ से इसे सेव कर लेते हैं। ये हमारा परचेस वाउचर क्रिएट सक्सेसफुली। ये आप देख रहे हैं XYZ लिमिटेड, ये 50,000 की हमारी एंट्री हो चुकी है, डेट भी आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह हम एक और एंट्री कर लेते हैं सेल्स वाउचर्स की। सेल्स वाउचर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पहले कभी एंट्री नहीं हुई और हमने ऐड पर नहीं क्लिक कर लेते हैं, डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पार्टी अकाउंट। तो ये है सन्ड्री हम सेल्स कर रहे हैं, तो ये हमारा सन्ड्री डेप्टर्स हुआ। तो हम यहाँ पर ABC सेलेक्ट कर लेते हैं, सैलरी सेल्स अकाउंट में सेल्स अकाउंट अमाउंट लिखते हैं। हमने 50,000 की यहाँ पर परचेस की थी और हम इसे बेच रहे हैं 60,000 में। तो ये हम नेक्स्ट ये और यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। इसे देख सकते हो आप कि ABC ये हमने 60,000 में सेल्स कर दी है। इसी तरह हम एक दो वाउचर्स के और जान लेते हैं। रिसीव वाउचर, सपोज आपको मंथ एंड में या कभी भी अगर कोई पार्टी हमें कैश रिटर्न करती है, हमने जो माल बेचा था अभी, हमने जो सेल्स की एंट्री की उसी अकॉर्डिंग हम ये रिसीव वाउचर लेना चाहते हैं, तो हमें कैश का क्रेडिट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्रेडिट पर हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी ABC लिमिटेड को हमने यहाँ पर सेल्स किया था, तो हम यहाँ से ABC सिलेक्ट कर लेते हैं। और DR में हम अगर कैश देती है, कैश आए तो कैश, अगर बैंक के थ्रू हो तो बैंक, हम यहाँ से कैश सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये अमाउंट हमारा 60,000 का हमने माल बेचा था, तो हम यहाँ 60,000 और इसे सेव कर लेते हैं। इसी तरह पेमेंट, तो जिससे हमने परचेस की थी उसे हमें पेमेंट करना होता है। तो डेप्टर्स में हमने XYZ लिमिटेड से हमने परचेस की थी, तो हम यहाँ से XYZ लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। और क्रेडिटर में हम कैश ले लेते हैं, कैश के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो कैश सिलेक्ट कर ले, अगर बैंक से क्या हो तो बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 50,000 का हमने जो किया था परचेस, तो हम यहाँ से 50,000 सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सेव कर लेते हैं। तो आपने ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, जो समझ ना पड़ती हो, तो आप हाँ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कह सकते हो। तो दोस्तों आज का इस वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में।